बदीन के भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करने। आप लोगों ने फरवरी में जो इलेक्शन हुए थे उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदे हमारे 2 MLA और बदीन से 5 MPA सबको कामयाब किया। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। और जैसे मैंने कहा कि देर हो गई है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आया हूँ आपका शुक्रिया अदा करने। उसके साथ साथ आज यहाँ जो हाजिर हुए हैं आपके पास, एक देरीना मुतालबा था, ये अभी का नहीं था, ये सालों से बात चल रही थी। 80 की दिहाई में यहाँ ये LBOD बनी। LBOD वैसे तो अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें जो गलतियां रह गई कि जो नेचुरल ढोरे थे, वो वाटरवेज थे जिससे पानी का निकाल हुआ करता था, वो LBOD ने सारे बंद कर दिए। मुझे याद है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब यहाँ आई थी, मुझे मरहूम डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो ने बताया था कि जब मैंने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने वापडा वालों से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, वापडा वालों ने पहले तो इधर उधर की बात करनी शुरू की, लेकिन जब उन्हें सारे लोकल्स ने बताया, इस चीज़ का को एडमिट करना पड़ा कि ये वाकई हमसे गलती हुई है। और वो गलती भुगत रहे थे, उसका जो नुकसान था वो हमारे शहीद बेनजीराबाद के लोग, सांगड़ के लोग, उमरकोट के लोग, मीरपुर खास के लोग, यहाँ तक के थरपार तक के लोग, और ख़ास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया, तो सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए।